हाय स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा स्पर्श रेखा एवं अभिलंब। कल तक हमने दो टॉपिक पूरे कर लिए हैं। पहला टॉपिक तो हमने पढ़ा था दर की गणना करना, और दूसरा टॉपिक हमारा जो हो गया वो है वर्धमान एवं ह्रासमान फलन। वर्धमान एवं ह्रासमान फलन यह हमने पूरा कर लिया, ठीक है। इसके वीडियोस आप अच्छी तरीके से देख लेना। आज का जो टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूं उसका नाम है स्पर्श रेखा एवं अभिलंब। स्पर्श रेखा से आपको कुछ बात समझ में आ रही होगी। 11th क्लास में एक पूरा टॉपिक है स्पर्श रेखा का, जहां पर हमने स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात किए थे। पहले मैं वहां से कुछ बात कर लेता हूं। 11th क्लास में हम पढ़ते थे, मान लीजिए ये कोई लाइन है और ये लाइन इस बिंदु X1 कोमा Y1 से गुजर रही है और इसकी परवणता M है, तो इस स्पर्श रेखा का जो समीकरण हम वहां पे लिखते थे वो लिखते थे Y-Y1 = M(X-X1)। ये होता था इस स्पर्श रेखा का समीकरण, कहां पर? 11th क्लास में। अब यहां पर तो आपको एक बिंदु और परवणता दे रखी है भाई, रेखा की परवणता दे दे और बिंदु बता दे तो हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि ये जो रेखा है इसकी परवणता आपको नहीं देता है, उसकी बजाय क्या करता है, इस पर दो बिंदु आपको देगा, मतलब इसको हम बोलते हैं दो बिंदु रूप। तो यहां से पहले हम क्या करते थे, परवणता निकालते थे और उसके बाद में स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करते थे। स्पर्श रेखा से मतलब यहां पर रेखा है, स्पर्श रेखा से मतलब स्पर्श का मतलब बाद में समझ लेना, रेखा समझ रहे हो। कहने का मतलब रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमारे को क्या चाहिए होता था, कितने बिंदु? दो बिंदु, एक तो परवणता और एक वह बिंदु जहां से रेखा गुजर रही है, ठीक है। वहां पर 11th क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो परवणता है उसका मतलब क्या होता था। परवणता का मतलब होता था किसी रेखा के द्वारा एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ में जो कोण बनाया गया है, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ में, ये धनात्मक दिशा है सर, धनात्मक दिशा के साथ में जो कोण बनाया गया है यदि हम उसका टेन थीटा ले लेते हैं तो वही क्या होती थी, परवणता होती थी, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही यहां पर है। 11th क्लास में परवणता निकालने के लिए हमारे को दो बिंदु दे रखे होते थे या कोण दे देते था भाई, अक्ष अक्ष के साथ भी ये रेखा इतने डिग्री का कोण बनाती है तो इसकी परवणता क्या होगी। यहां पर परवणता निकालने का अलग से तरीका रहेगा, बात जरा ध्यान से समझना सर। मान लीजिए ये कोई वक्र है, ये वक्र है कोई, और इस वक्र का समीकरण है y = fx। y = fx कोई एक वक्र है और इस वक्र पर एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है x1, y1। वक्र पर एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है x1, y1। अब इस बिंदु पर यह स्पर्श रेखा खींची गई है इस तरीके से, यही तो होगी ना स्पर्श रेखा, मतलब स्पर्श करते हुए गुजरती है। जिस बिंदु पर रेखा स्पर्श करती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो ये यहां पर हो गई स्पर्श रेखा, क्या हो गई, स्पर्श रेखा, ठीक है। अब एक लाइन में इस तरीके से खींच दूं, ये जो लाइन है ये स्पर्श रेखा के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है, और कहां से गुजर रही है, स्पर्श बिंदु से गुजर रही है। तो इसको हम नाम दे देते हैं सर अभिलंब, क्या नाम दे देते हैं, अभिलंब, ठीक है बच्चों। तो अभिलंब और स्पर्श रेखा में क्या अंतर है, या भी ऐसे बोल सकते हैं कि अभिलंब किसे कहते हैं। तो अभिलंब वह लाइन है जो स्पर्श रेखा के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है और स्पर्श बिंदु से गुजरती है, ठीक है। अब आपको इस स्पर्श रेखा का या इस अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। अभिलंब का मतलब भी तो रेखा ही है यहां पे, अरे अभिलंब क्या है, रेखा ही है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो चाहे अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना हो, हमारे को दो चीज चाहिए, दो बिंदु चाहिए, एक तो जहां से रेखा गुजर रही है उस बिंदु के निर्देशांक और एक परवणता, ठीक है। तो आप स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों के समीकरण ज्ञात कर सकते हो। यहां पर जो हम स्पर्श रेखा की परवणता निकालते हैं, यहां पर कहां पर, अवकलन वाले अवकलन के जो अनुप्रयोग है इसमें स्पर्श रेखा की परवणता, और स्पर्श रेखा की जो परवणता होगी वो होती है सर m = dy/dx। ये स्पर्श रेखा की परवणता को यहां पर बताएगा, ठीक है। और कौन से बिंदु पर स्पर्श रेखा की परवणता, x1, y1 पर। अब ध्यान रख लेना, अवकलन करने से स्पर्श रेखा की प्रवणता प्राप्त होती है और वो
स्पर्श रेखा की प्रवणता तभी प्राप्त होगी जब यह बिंदु कहां पर होगा, वक्र पर स्थित होगा। बिंदु हमेशा वक्र पर स्थित होना चाहिए और कहीं नहीं, भाई साइड में कोई बिंदु है फिर भी आप dy by dx निकाल करके उसमें x की जगह x का मान और y की जगह y का मान लिख रहे हो तो वो सब गलत हो जाएगा। स्पर्श रेखा की प्रवणता अवकलन करने पर तभी प्राप्त होगी जब बिंदु कहां पर होगा, वक्र पर होगा। बिंदु कहां पर स्थित होगा, वक्र पर होगा। तो ध्यान रख लेना, यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, जब बिंदु वक्र पर स्थित है, जब बिंदु वक्र पर स्थित है तभी आप स्पर्श रेखा की प्रवणता अवकलन करके निकाल सकते हो। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता तो हम कैसे निकालेंगे, जो समीकरण दे रखा है वक्र का उसका अवकलन करके x की जगह x का मान लिख देना, y की जगह y का मान लिख देना, स्पर्श रेखा की प्रवणता आ जाएगी। ठीक है, अब स्पर्श रेखा की प्रवणता आपने निकाल ली तो अभिलंब की प्रवणता कैसे निकालोगे, इसके लिए 11th क्लास में फिर से चलना पड़ेगा। मैंने बताया था कि यदि दो रेखाएं लंबवत हैं और दोनों की प्रवणता m1 और m2 है, एक की प्रवणता m1 है और दूसरी की प्रवणता m2 है और दोनों क्या है, लंबवत है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जब दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल कितना होता है बच्चों, -1 होता है। तो आपको यहां पर स्पर्श रेखा की प्रवणता पता है, ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता पता है तो क्या आप यहां पर अभिलंब की प्रवणता निकाल सकते हो। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होगी बताओ, देखिए अभिलंब की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता पता है तो अभिलंब की जो प्रवणता होती है वो क्या होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता को उल्टा कर दो और चिन्ह बदल दो, उल्टा करके चिन्ह बदलने से अभिलंब की प्रवणता प्राप्त होती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से शायद आपकी ये बात समझ में आई होगी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता हम कैसे ज्ञात करते हैं, जो दिया हुआ वक्र है उसका अवकलन करके हम ज्ञात करते हैं। और स्पर्श रेखा की प्रवणता आने के बाद में यदि आपको अभिलंब की प्रवणता चाहिए तो उल्टा करके चिन्ह बदल दोगे तो वो अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी। अब क्वेश्चन इस तरीके से बोलेगा कि बिंदु x1, y1 से जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, बिंदु x1, y1 से जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए बिंदु और प्रवणता, और बिंदु और प्रवणता होगा तभी तो आप जो है इसका क्या ज्ञात करोगे, समीकरण ज्ञात करोगे। तो स्पर्श रेखा का समीकरण, यहां पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, बिंदु पता है प्रवणता आपने निकाल ली है तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, ये तो हो गया स्पर्श रेखा का समीकरण। और ऐसे यदि अभिलंब का समीकरण चाहिए तो अभिलंब भी क्या है, एक तरीके से रेखाएं तो है, तो अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए बिंदु और प्रवणता चाहिए, तो बिंदु दे रखा है और प्रवणता क्या हो गई, माइनस वन अपॉन एम, तो यहां पर हो जाएगा वाई माइनस वाई वन बराबर एम, एम की जगह माइनस वन अपॉन एम आएगा एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है बच्चों, ये सारी की सारी बात आपको क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है क्या, बस आप फिलहाल इतना सा याद रख लीजिए कि किसी स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो उसकी प्रवणता ज्ञात करने के लिए दिए हुए वक्र का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, और अवकलन करने के पश्चात उस पर एक्स की जगह एक्स का मान लिख देंगे और वाई की जगह वाई का मान लिख देंगे। ठीक है, बस ये इतनी सी बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। और स्पर्श रेखा की प्रवणता यदि आपको पता है तो अभिलंब की प्रवणता भी आपको पता है, उल्टा करके चिन्ह बदल देंगे तो वो अभिलंब की प्रवणता होती है। ठीक है बच्चों, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, ये जानते ही हो आप, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, मान लीजिए कोई रेखा एक्स एक्स के समांतर है, ये रेखा है एक्स एक्स के समांतर है, तो ये रेखा एक्स एक्स के समांतर है तो वाई एक्स के लंबवत भी तो है, दो तरीके से बोल सकता है, कोई रेखा एक्स एक्स के समांतर होना या उस रेखा का वाई एक्स के लंबवत होना, एक ही तो बात है। अब जब रेखा एक्स एक्स के समांतर है तो एक्स एक्स और रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण है, जीरो डिग्री का कोण है, दो समांतर रेखाओं के बीच में कोण कितने डिग्री का होता है, जीरो डिग्री का होता है। तो यदि मैं इस रेखा की प्रवणता आपको पूछूं तो आप कैसे बताओगे, एम बराबर क्या होता है टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है बच्चों, जीरो, और टेन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां पर एक रिजल्ट आ गया हमारे पास में, क्या रिजल्ट आ गया कि यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के, किसके एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर या वाई एक्स के लंबवत है तो रेखा की जो प्रवणता है वो क्या होगी बच्चों, m बराबर जीरो, ये याद रखना, दोनों एक ही बात है।
अब उल्टा कर दे हम वाई एक्स के समांतर कर दे इस रेखा को इस तरीके से, ये आपकी बार रेखा ये हो गई, तो ये किसके समांतर है, वाई एक्स के समांतर है और किसके लंबवत है, एक्स अक्ष के लंबवत है, यानी कि ये रेखा एक्स अक्ष के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो अब आप थीटा की जगह कितना पुट करोगे, 90 पुट करोगे और टेन 90 कितना होता है, अनंत होता है। तो यहां पर एक और रिजल्ट आ गया कि यदि कोई रेखा, कोई रेखा किसके समांतर है आपकी बार वाई एक्स के, वाई एक्स के समांतर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, या एक्स एक्स के लंबवत है, लंबवत है, तो रेखा की जो प्रवणता होगी, रेखा की प्रवणता m बराबर क्या होगी बताओ, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि यदि कोई स्पर्श रेखा या यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन में बोलेगा कि यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां से गुजरती है, या स्पर्श बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, क्योंकि भाई प्रवणता तो वहां पर आपको पता ही होगी। तो ये दो लाइनें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। बात हम क्वेश्चन से समझते हैं, मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं। यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए उदाहरण 27 ले रहे हैं, एग्जाम्पल 27 आपकी बुक का ही है। उदाहरण 27 क्वेश्चन इस तरीके से है कि वक्र के बिंदु पर, वक्र के बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो वक्र का समीकरण है, वक्र का समीकरण y बराबर एफ एक्स, कोई वक्र था वहां पे, यहाँ पे वक्र का समीकरण है x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3 बराबर 1। x की घात कितनी, 2/3 और प्लस y की घात भी 2/3 बराबर 2 है सर, एक नहीं है, कितना है 2। तो वक्र का समीकरण आपको ये दे रखा है, और k बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। k बिंदु पर मतलब वो बिंदु इस वक्र पर स्थित है, ध्यान में रख लेना सर, जो बिंदु आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो बिंदु किस पर स्थित होना चाहिए, वक्र पर स्थित होना चाहिए। पता नहीं चले तो संतुष्ट करवा करके देख लेना। अभी ये बोल रहा है कि बिंदु 1.1 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो आप देख लीजिए कि क्या ये बिंदु इस वक्र पर स्थित है। तो आप x की जगह x का मान लिख दो, y की जगह y का मान लिख दीजिए। x का मान कितना है 1, तो 1 की घात 2/3 1, यहां पर भी 1 रहेगा, 2/2 हो गया, संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब ये बिंदु इस वक्र पर स्थित है। बिंदु वक्र पर स्थित है तो हम आसानी से स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। बताओ किसी भी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो बिंदु जहां से रेखा गुजरती है और उसकी प्रवणता। तो क्या आपको बिंदु दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है, प्रवणता नहीं दे रखी है, तो आप यहां पर क्या निकालोगे, सबसे पहले प्रवणता निकालोगे। जितने भी क्वेश्चन इस प्रश्नावली में आएंगे उसमें आपको हमेशा एक ही चीज देगा, यानी कि या तो बिंदु देगा या फिर प्रवणता देगा। यदि प्रवणता देता है तो हम सबसे पहले बिंदु ज्ञात करेंगे, और यदि क्वेश्चन में बिंदु दिया हुआ है तो हम पहले क्या निकालेंगे, प्रवणता निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर बिंदु दे रखा है, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, प्रवणता निकालूंगा। और इस बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, कहने का मतलब स्पर्श रेखा भी इसी बिंदु से गुजर रही है और अभिलंब भी इसी बिंदु से गुजर रहा है। और वो तो मैंने आपको बताया था अभी कि स्पर्श रेखा और अभिलंब, ये स्पर्श रेखा है और ये अभिलंब है, तो स्पर्श रेखा और अभिलंब हमेशा स्पर्श बिंदु से ही गुजरते हैं। ठीक है, तो यह बताइए कि यदि बिंदु किसी वक्र पर स्थित है, यदि कोई बिंदु किसी वक्र पर स्थित है तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसका अवकलन करके, वहां से dy by dx निकाल करके। तो यहां से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, dy by dx निकालेंगे। तो मैं x के सापेक्ष इसका क्या कर रहा हूं, अवकलन कर रहा हूं वक्र के समीकरण का। वक्र के समीकरण का x के सापेक्ष, वक्र के समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन क्यों कर रहे हैं हम, प्रवणता ज्ञात करने के लिए। तो इसका अवकलन क्या होगा, घात पहले और घात में से एक कम करोगे, एक कम करोगे तो कितना आएगा, -1/3। फिर x का x के सापेक्ष एक हो जाएगा, इसका करोगे तो घात पहले घात में से एक कम किया तो -1/3,
घात पहले और घात में से एक कम। अब y का भी तो करना पड़ेगा, y का हो जाएगा dy by dx और दो का कितना हो गया जीरो। अब दो बटा तीन कॉमन आकर के किस पे मिल जाएगा, जीरो में मिल जाएगा। और यहां से जो dy by dx की वैल्यू आएगी, यदि आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो वो क्या माइनस x की पावर माइनस एक बटा तीन और y की पावर माइनस एक बटा तीन। तो घात को प्लस में बदलने के लिए आप इनको ऊपर नीचे कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस, y ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम और भी तरीके से लिखे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, y अपॉन x की पावर वन अपॉन थ्री। ये dy by dx हमने निकाल लिया, ये जो dy by dx है यही स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। अब कौन से बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता हमारे को चाहिए, एक कोमा एक पर। तो dy by dx की वैल्यू कहां पर, एक कोमा एक पर, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको चाहिए। तो अब इसमें आप क्या करोगे, x की जगह x का मान लिखोगे, y की जगह y का मान लिखोगे। x का मान कितना एक और y का मान भी कितना है एक, तो यहां पर एक बटा एक की घात एक बटा तीन कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा एक आ जाएगा। तो बताओ ये माइनस एक क्या है, माइनस एक क्या है, ये है स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा की, ये रेखा है स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है। तो फिर अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, अभिलंब की प्रवणता। तो यहां पर अभिलंब की प्रवणता क्या होगी बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको पता है तो आप अभिलंब की प्रवणता भी आसानी से बता सकते हो। उल्टा करके चिन्ह बदल दो, एक का उल्टा एक ही होता है, और चिन्ह बदलोगे तो प्लस का हो जाएगा, मतलब प्लस का एक, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता माइनस एक और अभिलंब की प्रवणता कितनी होगी, यहां पर एक हो गई। बिंदु हमारे को पहले से पता है, प्रवणताएं हमने ज्ञात कर ली, तो क्या हम स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो यहां पर बताओ क्या आंसर आएगा, मैं ये ऊपर से मिटा रहा हूं इसमें, पहला आंसर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा के समीकरण का सूत्र क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, y माइनस y1, y1 कितना है 1 है, बराबर m स्पर्श रेखा की प्रवणता माइनस एक और x माइनस x1, x1 ही तो 1 ही है। अब इसको सॉल्व करोगे तो y माइनस 1 ये माइनस का x प्लस 1 हो जाएगा, और ज्यादा सॉल्व करोगे सबको एक साइड में ले आओ या इसको इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 2। तो यह है बच्चों स्पर्श रेखा का समीकरण। दूसरा हमारे को इसमें क्या निकालना है, दूसरा हमको इसमें निकालना है अभिलंब का, अभिलंब का समीकरण, ठीक है। और अभिलंब का समीकरण भी सेम ऐसे ही निकलेगा, अरे बिंदु दे रखा है, प्रवणता हमने ज्ञात कर ली, तो अभिलंब भी क्या एक तरीके से रेखा ही है। और रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए दो चीज हमारे को चाहिए, एक तो बिंदु जहां से वो रेखा गुजर रही है और दूसरा उसकी प्रवणता। तो अभिलंब कहां से गुजर रहा है, 1 कोमा 1 से, ये तो बिंदु हो गया, और प्रवणता हमने ज्ञात कर ली 1। तो इसका जो समीकरण होगा वो क्या होगा, y माइनस y1 बराबर m, अब की बार 1 ही तो आएगा, x माइनस x1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इधर है y माइनस 1 और इधर है x माइनस 1, माइनस 1 से माइनस कट गया, माइनस 1 कट गया, तो x इक्वल टू y। ये किसका समीकरण बच्चों, अभिलंब का समीकरण है। मेरे हिसाब से ये बात आपके समझ में आई होगी। देखिए इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन आपको दिए हुए होंगे, मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूं, इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हुए होंगे उसमें आपको हमेशा एक ही चीज देगा दोनों में से, किन में से, प्रवणता या बिंदु। बिंदु देता है तो हम प्रवणता ज्ञात करेंगे, प्रवणता दे रखी है तो हम बिंदु ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एग्जाम्पल 28, उदाहरण 28, उदाहरण 28, वक्र का समीकरण एग्जाम्पल 28, वक्र का समीकरण, जो वक्र का समीकरण इसमें दे रखा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ये वक्र का समीकरण है, माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो।
बोल रहा है कि वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, अक्ष अक्ष के लंबवत है, दोनों अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर है इसका मतलब उसकी प्रवणता कितनी होगी, जीरो होगी। तो इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में आपको यह बोल रहा है कि यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता जीरो है तो वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां से रेखा गुजरती है या जहां पर वह स्पर्श करती है। स्पर्श बिंदु के निर्देशांक हमारे को इसमें ज्ञात करने हैं। बिंदु ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप इस वक्र पर कोई बिंदु मान लीजिए। क्वेश्चन में बिंदु नहीं दिया हुआ, आपको प्रवणता दे रखी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर एक बिंदु मानेंगे। माना वक्र पर बिंदु x1, y1 है। माना वक्र पर एक बिंदु है x1, y1। ये बिंदु किस पर है, इस वक्र पर है, तो वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहां पर x की जगह x का मान लिख दो, y की जगह y का मान लिख दो, तो x1² + y1² - 2x1 - 3 = 0। ये समीकरण एक है। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में बिंदु ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आप ये समीकरण नंबर एक बना लेना। बिंदु मानना है वक्र पर, ये बिंदु किस पर है, इस वक्र पर है, वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, प्रवणता दे रखी है, तो उसके हिसाब से प्रवणता कितनी है, जीरो। तो आप अपने हिसाब से प्रवणता निकाल लीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और आप अपने हिसाब से प्रवणता कैसे निकालोगे, प्रवणता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं, ठीक है, किसके किसका करते हैं, वक्र के समीकरण का। तो यहां पर वक्र के समीकरण का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन क्यों कर रहे हैं, प्रवणता ज्ञात करने के लिए, तो कर लो इसका अवकलन, 2x हो जाएगा 2y, y का क्या होगा बच्चों, dy/dx, और माइनस का 2 बराबर में 0। ये देखो 2 को मना करके तो 0 में मिल जाएगा, और यहां से जो dy/dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये 1 प्लस का हो जाएगा -x/y, ये तो है dy/dx। तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है, कौन से बिंदु पर, x1, y1 पर। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, dy/dx मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता कौन से बिंदु पर, x1, y1 पर। तो x की जगह x का मान लिख दीजिए, y की जगह y का, इस तरीके से। तो ये हमारे हिसाब से किसकी प्रवणता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, पहला क्वेश्चन है कि यदि स्पर्श रेखा, यदि स्पर्श रेखा किसके समांतर है, एक्स एक्स के समांतर है, एक्स एक्स के समांतर है, यदि रेखा एक्स एक्स के समांतर है, इसका मतलब क्या हुआ, स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होगी, जीरो। तो हमारे हिसाब से स्पर्श रेखा की प्रवणता इतनी है, उसके हिसाब से जीरो है, तो दोनों को बराबर कर देंगे, तो 1 - x1/y1 = 0, यही तो होगा ना। वज्र गुणा करके सॉल्व करोगे तो यहां पर पता चलेगा x1 कितना है, 1 है, तो ये आ गया x1 का मान। अब y1 का मान कहां से निकालोगे, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 में x1 की जगह 1 लिख दो तो y1 का मान आ जाएगा अपने आप। तो लिख दीजिए इसमें समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से आप इसमें 1 लिखोगे तो क्या होगा, यहां पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर प्लस y1² - 2 - 3 = 0। तो ये देखो माइनस का 5 प्लस का 4, तो y1 = आ जाएगा यहां से प्लस माइनस का 2। तो x1 तो 1 और y1 के 2 मान आ गए, मतलब 2 बिंदु आपको यहां पर प्राप्त हो गए। एक बिंदु तो क्या 1, 2 और एक 1, -2। ये तो कब आंसर है, जब स्पर्श रेखा किसके समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है। अब दूसरी कंडीशन इसमें क्या है वो जरा समझना। देखो ये तो सब में सेम रहेगा, x1, y1 आपको ज्ञात करना है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें इस तरीके से है, नंबर 2 पे तो आप
दूसरा क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि यदि रेखा किसके समांतर है, यदि रेखा वाई एक्स के समांतर है, तो बताओ जब रेखा वाई एक्स के समांतर है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होती है, अनंत होती है। तो इस क्वेश्चन में स्पर्श रेखा की प्रवणता अनंत दे रखी है और आपके हिसाब से स्पर्श रेखा की प्रवणता यह है, तो दोनों को बराबर कर देंगे, वन माइनस एक्स वन अपॉन वाई वन इक्वल टू अनंत, और अनंत को एक बटा जीरो लिखते हैं। वज्र गुणा करके सॉल्व करोगे इसको तो यहां पर आएगा वाई वन इक्वल टू जीरो, तो वाई वन की वैल्यू आ गई, और वाई वन की वैल्यू इसमें जीरो लिखोगे तो एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी आसानी से। तो समीकरण एक से, समीकरण एक से इसमें वाई वन की जगह जीरो लिखो तो क्या बनेगा, एक्स वन स्क्वायर माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये द्विघात बन गई किसमें, एक्स वन में। इसको सॉल्व करके एक्स के दो मान निकाल लेना यहां से, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें देखो, ये समीकरण नंबर एक तो काम में आएगी लास्ट तक, तो इसको मैं नहीं मिटा रहा, फिर ऐसे ही रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर तीन है, दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है कौन, स्पर्श रेखा। यदि स्पर्श रेखा दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है, समान कोण बनाती है, तो बताओ कोई रेखा जब दोनों अक्षों से समान कोण बनाए तो उस कंडीशन में प्रवणता कितनी होती है उसकी। इधर समझना, ये दोनों अक्ष है और ये रेखा इस तरीके से है, इन दोनों के साथ में समान कोण बनाती है, मतलब 45 डिग्री का कोण बनाती है एक्स एक्स के साथ में। तो थीटा पता है 45, तो एम बराबर क्या होता है टेन थीटा, और थीटा कितना 45 मतलब एक। तो इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में आपको प्रवणता कितनी दे रखी है स्पर्श रेखा की, एक दे रखी है। तो हमारे हिसाब से प्रवणता कितनी है, वन माइनस एक्स वन अपॉन वाई वन, और उसके हिसाब से एक हो गई। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर पता चलेगा कि y1 बराबर है 1 माइनस एक्स वन, ठीक है। अब ये मान आप समीकरण नंबर एक में लिख देना, जहां पर y1 दिख रहा है वहां पे क्या लिखोगे, 1 माइनस एक्स वन। सॉल्व करोगे तो x के दो मान आएंगे और फिर y का मान आ जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आज हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बाकी के क्वेश्चन कल सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।